हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मेरे बेटे का जो कि दो साल का हो चुका है उसका डेली रूटीन रुदे सुबह साढ़े सात बजे तक जग जाता है जगने के बाद में से वॉशरूम लेके जाती हूँ ये पी पोटी जाता है उसके बाद में से ब्रश कराती हूँ फिर मैं से इसका डेक का फर्स्ट तो मिल्क मिल्क मैं यहाँ पर शेयर नहीं कर रही क्योंकि आजकल कभी पीता है कभी नहीं पीता और बहुत परेशान करता है तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई इसका मिल्क मैंने इसके लिए ये वाली ड्राइंग ड्रॉइंग जिग जेक में स्ट्रेट में इससे बच्चे ना लाइन ड्रॉ करना सीखेंगे अभी ये इसको प्रॉपर नहीं आता देखो सीधा ही लेके जा रहा है बट बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी होती है एनि से बनाना भी इजी है मैंने कार्डबोर्ड पे सिर्फ शेप ड्रॉ करके उसे कटर से कट कर दिया और इसके नीचे वाइट शीट लगा दी तो शीट खराब होने के बाद फिर से शीट चेंज कर देती हूँ बट ये दिन में एक दो बार तो ये एक्टिविटी जरूर करता है अभी मैं इसकी ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ आज ब्रेकफास्ट में मैं इसे बेसन का चीला दे रही हूँ जिसे बनाने के लिए मैंने ओनली पालक लिया है मटर लिया है क्योंकि आज मैं इसे ग्रीन चीला बना रही हूँ पालक वाला इसमें और अदर वेजिज ऐड नहीं कर रही आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग अदर वेजिज भी ऐड कर सकते हो मैंने ओनली पालक लिया है मटर लिया है ऑनियन लिया है एंड कॉरेंटा लीव्स लिए है बस इतना ही ले रही हूँ एंड फाइव टी स्पून मैंने यहाँ पे बेसन लिया है आप कम ज़्यादा कर सकते हो आपको कितना बनाना है और उसमें कम बेसिक मसाले ऐड किए हैं जैसे कि हरा धनिया पाउडर हल्दी मिर्ची रेड चिली पाउडर थोड़ा सा लिया है थोड़ा सा ब्लैक पेपर लिया है और बस इन सबको अच्छे से मिला लेंगे कंसिस्टेंटी आपको है ना ज़्यादा पतला नहीं करना वरना बनाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है नॉर्मल ही रखना है एंड मैंने यहाँ पे घी लगा के इसे दोनों तरफ से अच्छे से सीख लिया है और हमारे चिल्ले बनके तैयार है साथ ही मैंने इसे फ्रूट्स में कीवी रखा है एंड इसका जो ब्रेकफास्ट का टाइम है वो नाइन ओ क्लॉक है मैं इसे तब तक ब्रेकफास्ट करवा देती हूँ ट्राई करती हूँ इस टाइम तक करवा दूँ कभी कभी लेट भी हो जाता है नाइन थर्टी बट लास्ट है मैं ट्राई करती हूँ कि नाइन ओ क्लॉक तक इसका ब्रेकफास्ट हो जाए ब्रेकफास्ट में मैं इसके लिए कभी रागी कभी जीरा कभी हलवा कभी ओट्स उपमा कभी उपमा इस तरीके से कुछ भी बना देती हूँ कभी ऑमलेट दे देती हूँ कभी बॉयल्ड एग देती हूँ कोई फिक्स नहीं है कि मैं कोई पर्टिकुलर एक ही ब्रेकफास्ट हो तो कुछ भी दे देती हूँ टाइम हो रहा है इलेवन ओ क्लॉक और मैं इसे इसका मिड मॉर्निंग स्नैक दे रही हूँ मिड मॉर्निंग स्नैक में मैंने आज इसे फ्रूट्स दिए हैं फ्रूट्स में मैं इसे दे रही हूँ आज ग्रेप्स दिए हैं मैंने इसे बनाना दिया है और मेरे पास पियर था तो मैंने वो भी ऐड किया है पियर ये बिल्कुल भी नहीं खाता बट मैं ट्राई करती हूँ उसके जब भी फ्रूट्स देती हूँ उसमें इसे ऑफ़र करो कि, कि किसी ना किसी एक दिन इसे पसंद आ जाए तो मैं फोर्स तो इसे नहीं करती कि आप खाओ बट इसके ऊपर डिपेंड करता है जब इसे अच्छा लगेगा ये ज़रूर ट्राई करेगा फटर इस कि कुछ देर के लिए खेलता रहता है कभी मेरे साथ हाउस होल्ड चोर्स करवाता है कभी सेल्फ प्ले करता रहता है तो टोटली डिपेंड होता है इसके ऊपर एक्टिविटी या फिर मैं फ्री होती हूँ तो इस टाइम पर से कोई ना कोई एक्टिविटी अपने साथ लेके बैठती हूँ तो एक्टिविटी करवाती हूँ तो पर्टिकुलर टाइम फिक्स नहीं है कि इस टाइम पर ये यही करे बट आज ये बैलून से खेल रहा था तो मैं साइड में अपना काम कर रही थी एंड आज लंच में मैं इसे बना रही हूँ मेथी मटर पुलाव जिसे बनाने के लिए मैंने मैथी लिए मटर लिए अनियन लिया एक डर एंड टोमेटो एंड चावल मैंने यहाँ कुकर में घी ऐड किया है आप कुछ भी ऐड कर सकते हो पर घी से टेस्ट अच्छा आता है जब हम राइस बनाते हैं अब इसमें ऐड करूँगी जीरा हींग टमेटो मेथी मटर अब इसमें वही बेसिक मसाले जैसे हरा धनिया पाउडर हल्दी नमक मिर्ची ब्लैक पेपर यही ऐड करूँगी बस रेड चिली थोड़ा सा कम ऐड करूँगी और हल्दी भी मैं थोड़ी सी कम ऐड करूँगी क्योंकि ये ग्रीन पुलाव है तो फिर ग्रीन के अकॉर्डिंग ही होगा ना एंड हल्दी से जो पीले ज़्यादा हो जाएंगे तो वो इतना अच्छे नहीं लगेंगे जितना आप कम हल्दी डाल के ना या फिर हल्दी को अवॉइड कर देना इन्हें हम थोड़ी देर कुक होने देंगे फिर उसके बाद में मैंने राइस ऐड कर दी जो मैंने पहले से थोड़े भिगो के रखे हुए थे एंड अब इसमें हम डेढ़ ग्लास वाटर ऐड कर लेंगे आप जितना राइस ले रहे हो उससे डबल पानी होना चाहिए आप जब राइस बना रहे हो अब मैंने इसे कुक होने के लिए रख दिया और यहाँ पे मैं थ्री विसल्स ले रही हूँ और हमारे राइस बन के तैयार है और रुद्र यहाँ पे खाना खा रहा है इसका जो लंच का टाइम होता है वो ट्वेल्व थर्टी होता है इस टाइम पे मैं इसे लंच करवा देती हूँ तो अभी मैंने आज इसको रोटी भी दी है जो हम लोग खा रहे थे राइस इसके लिए ऐड किया और आलू की सब्जी साथ में मैंने ऐड की है इसके लिए तो इसकी जो भी छाक अगर ये राइस खाएगा तो राइस खा लेगा रोटी खाएगा तो, खा तो रोटी खा लेगा कुछ भी एक खा लेगा एंड मैंने लास्ट वीक इसके जो सेवन डेज का लंच रिकॉर्ड तो किया है तो मैं ट्राई करूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो या फिर अब जो अपकमिंग वीडियो आएंगे उसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ होपफुली वो भी आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो का लाइक कीजिए और मुझे बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा लंच की थोड़ी देर बाद में खेल एंड अराउंड वन ओ क्लॉक के समथिंग में से सुलाने के लिए ले जाती हूँ एंड एंड आज के लिए सोने में थोड़ा सा टाइम लेता तो है जिंगने के बाद में मैं से इसका डे का सेकंड मिल्क ऑफर करती हूँ और ये थोड़ी देर खेलता है मिल्क लेने के बाद में तब तक मैं इसके लिए इवनिंग स्नैक रेडी कर लेती हूँ एंड अराउंड फाइव थर्टी मैं इसको इसका इवनिंग स्नैक देती हूँ और इवनिंग स्नैक में ट्राई करती हूँ थोड़ा सा लाइट लूँ तो आज मैं इसके लिए बना रही हूँ जो राइस मेरे पास बचे हुए थे उसका मैं पैनकेक बना रही हूँ मैं इसे राइस वैसे नहीं देती हूँ ऑनली वन टाइम देती हूँ फिर ठंडा जो बचता है उसका मैं पैनकेक बना देती हूँ तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी राइस में वेजीज ऐड कर रखी थी तो मैंने कोई भी वेजिटेबल्स ऐड नहीं किया आप चाहो तो ऐड कर सकते हो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ टू टेबल स्पून यहाँ मैंने दही ऐड किया थ्री टेबल स्पून मैंने यहाँ पर सूजी ऐड करूँगी एंड थ्री टेबल स्पून ही मैं यहाँ पर ओट्स फ्लोर ऐड कर रही हूँ मसाले ऐड किए जैसे नमक ऑलरेडी राइस में ऐड था तो मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया जितना मैंने फ्लॉर ऐड किया उसके अकॉर्डिंग थोड़ी सी मैंने यहाँ पे ब्लैक पेपर ऐड किया था और बेसिक मसाले ऑलरेडी राइस में ऐड थे तो मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया इनका हम पेस्ट बना लेंगे साथ में मैंने स्टफिंग के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ पनीर अनियन एंड कैरेट इसमें मैंने ऐड किया थोड़ा सा ब्लैक पेपर थोड़ा सा साल्ट एंड सम चाट मसाला और इन सबको हम मिला लेंगे यहाँ पे मैंने तवे पे ऑयल स्प्रेड कर दिया है और जो मैंने पेस्ट बनाया था वो यहाँ पे मैं लग बना रही हूँ उसके छोटे छोटे पैनकेक बना सकते हो साइज आप छोटी रखिए क्योंकि छोटा इजी होता है आप उसको जब पलटोगे तो टूटने का डर कम होता है एंड स्टफिंग मैं अब इसके ऊपर जो मैंने बनाया था वो रखूँगी और इसको हम कुक कर लेंगे अच्छे से और ये जो राइस चीला है वो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है एंड हम राइस जो हमारे पास बच भी जाते हैं मोस्ट ऑफ़ टाइम ऐसा होता है कि राइस हमारे पास बच ही जाते हैं और उसको बच्चों को ठंडे राइस देने से अच्छा है कि आप उसका इस टाइप से पैनकेक बना इससे क्या होता है लेफ्ट ओवर राइस का भी यूटिलाइज हो जाता है ऑलरेडी ये पुलाव थे तो इनको हम कुछ फ्राई भी नहीं कर सकती थी तो मैंने सोचा इसका पैनकेक बना दो तो आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिए बहुत अच्छा लगेगा बच्चों को स्पेशली अगर आपका बेबी सेवन मंथ प्लस है तो भी आप ट्राई कर सकते हो क्योंकि छोटे बेबी को हम राइस नहीं खिला सकते तो इस फॉर्म में आप राइस दे सकते हो उसे केचप की जगह पीनट बटर दे सकते हो कुछ भी दे सकते हो चटनी बना के दे सकते हो टोमेटो की जो भी आपका बेबी प्रीफर करे मेरे पास केचप था तो मैंने यही दे दिया अभी इसे कुछ लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि मैं अपने बेबी को पानी नहीं पिलाती हूँ तो पानी जैसे कि डिनर लंच कुछ भी कर रहा होता है मैं ट्राई करती हूँ उस टाइम पे कम पिए क्योंकि क्या होता है पानी ज़्यादा पी लेता है और तो फिर खाना नहीं खाता उसी से पेट भर जाता है मैं मैं इसे थोड़ा थोड़ा करके पानी देती रही <laughs> <laughs> क्या चाहिए बेटा मैं खाए। मैं खाए। दाल रोटी बनाई ने मैगी नहीं बनाई बेटा कहाँ से खा लिया आपने मेरे कैमरे क्या खाना है आपको मम्मा ने तो दाल रोटी बनाई है दाल रोटी दाल रोटी बेटो मम्मा ने दाल ही बनाओ नहीं मेरी दाल रोटी होली रोटी खाने के बाद में या फिर ये जब भी मुझसे मांगता है मैं इसको पानी पिला देती हूं उस टाइम पर आठ बजे मैं इसको डिनर करवा देती हूँ और आज डिनर में मैंने इसे इडली एंड सामर दिया है आज इस वीडियो में मैंने इसका लंच ब्रेकफास्ट और डिनर रूटीन ही शेयर किया है अदरवाइज वीडियो लंबा हो जाता है तो मैंने सोचा ओनली यही पार्ट आप लोगों के साथ शेयर करूँ